आज हैदराबाद शहर में नामपल्ली बाजारघाट एरिया में फायर एक्सीडेंट्स के कारण 8 लोगों से ज्यादा जान चले गए हैं। इस एक्सीडेंट्स दीपावली के जो पटाखा छोड़ते हैं इसके कारण आज सुबह हुआ है। हैदराबाद शहर में आपको मालूम है लगातार इस 2-3 साल से अलग अलग जगह, खासकर मेरा पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र में 6-7 एक्सीडेंट्स हुआ है। सभी एक्सीडेंट इलीगल वेयर हाउस के कारण, इलीगल वेयर हाउस रहने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। लगातार हम बता रहे हैं इलीगल वेहिकल रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में जो लोग ज्यादा रहते हैं उस एरिया में योका जो वेयर हाउस रहने के कारण ऐसा एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से एक्सीडेंट के समय पर बोलते हैं कोई वेयर हाउस हैदराबाद शहर में हम रहने नहीं देंगे, मगर एक्सीडेंट के बाद फिर लगातार वैसा ही वेयर हाउस कंटिन्यू हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, लोगों का जान चले जा रहे, मगर सरकार के पास कुछ उसका उपाय नहीं निकल रहे, कोई एक्शन नहीं है। मैं आज भी तेलंगाना सरकार को बताना चाहता हूं रेजिडेंशियल एरिया में जितने एक्सीडेंट्स होने का उम्मीद है, जितने इलीगल वेयर हाउसेस है, सभी वेयर हाउसेस को इधर से उठाना चाहिए, सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। ये मैं बार बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा था पहला, और कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स को, म्युनिसिपल अधिकारी को मैं बताया, फिर भी कोई समस्या हल नहीं हुआ है। मैं इस संदर्भ में यही बताना चाहता हूँ जरूर जो आज इस पे पूरा एक्शन होना चाहिए। और मैं अभी प्रधानमंत्री जी से बात करके इसमें जितने भी जो लोग जान चले गए उसके गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार के तरफ से भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंट एक शाम तक हम घोषणा करेंगे, बिल्कुल हम भी इस परिवारों के लिए साथ देंगे। और दूसरा, आने वाले दिन में ऐसा एक्सीडेंट ना हो, ऐसा इलीगल वेयर हाउस नहीं रहना चाहिए, सबको इधर से उठाना चाहिए, यही मैं तेलंगाना सरकार को डिमांड करता हूं, उम्मीद करता हूं। हैदराबाद शहर में नामपल्ली बाजारघाट एरिया में आज जो फायर एक्सीडेंट हुआ है, लगभग 8 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और उसमें बच्चे भी है, और 2 बच्चे उसमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे। मैं अभी पुलिस अधिकारी को बुलाऊं, वो अच्छा हॉस्पिटल में ले जाकर उसको ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए, उसको जान बचाना चाहिए। और जो नीचे वेयर हाउस था, केमिकल वेयर हाउस, ऊपर 16 फ्लैट्स किराए को रहने वाले लोग थे, रेजिडेंशियल फ्लैट्स, इसके कारण जो नीचे फायर हुआ है दीपावली के टापा के कारण, और ऊपर रहने वालों का इसमें आग लगने के कारण केमिकल का जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो लोग जान चले गए। मैं हैदराबाद शहर में लगातार इस 4-5 साल में मैं लगातार सरकार को बता रहा हूँ सिकंदराबाद एरिया में, अलग अलग एरिया में इलीगल वेयर हाउसेस के कारण ऐसा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जनता ज़्यादा रहते हैं, कमर्शियल है उस एरिया में, जो वेयर हाउसेस नहीं रहना चाहिए, मगर क्यों वेयर हाउसेस रखे पता नहीं। बार बार सरकार को बताता रहता हूँ जितने भी वेयर हाउसेस है, वेयर हाउसेस के कारण ही एक्सीडेंट्स हो रहे। ये पेपर वेयर हाउस हो, केमिकल वेयर हाउस हो, ऐसे जो एक्सीडेंट होने का उम्मीद रहते हैं, ऐसा कोई वेयर हाउस हैदराबाद में जनता के बीच में, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। बार बार मैं सरकार को बता रहा हूँ मगर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे। ये सरकार बात बहुत बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, बात बड़ा बड़ा बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अभी लगातार मैं चीफ सेक्रेटरी को, अलग अलग अधिकारियों को, मेरा मिनिस्ट्री के तरफ से पार्लियामेंट मेंबर के तरह मैं लोगों को लिखा हूँ, अधिकारियों को लिखा हूँ, और जब भी एक्सीडेंट हुआ जो समय भी बताऊँ, मगर कोई कदम नहीं उठाया। अभी भी मैं बताना चाहता हूँ जितने भी वेयर हाउसेस है, जो रेजिडेंशियल एरिया में हो, कमर्शियल एरिया में हो,
जो एक्सीडेंट होने का उम्मीद है, सभी वेयर हाउसेस को हैदराबाद से उठाकर सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। एक ड्राइव तेलंगाना सरकार, जीएचएमसी, पुलिस अधिकारी मिलकर करना चाहिए। जितने भी वेयर हाउसेस है, सभी वेयर हाउसेस को हैदराबाद शहर से बाहर ले जाना चाहिए। दूसरा विषय है, जो केंद्र सरकार के तरफ से जो भी जान चले गए, उन गरीब परिवारों के लिए मैं प्रधानमंत्री से बात करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट आज शाम तक मैं घोषणा करूंगा। हैदराबाद सिटी लो जन सांद्रता ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ ప్రాంతాల్లో గాని కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో గాని ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉన్నట్టి ఏ రకమైనటువంటి వేర్ హౌస్ ఉండకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఆ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। అవును సార్, ఇప్పుడు దాదాపు అయితే 6 వరకు చనిపోయారని చెప్పని తెలుసుకుని సార్, వారికి అయితే మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి గానీ ఎటువంటి అయినా నేను ఆ కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున మోడీ గారితో మాట్లాడి నేను ఆర్థిక సహాయం అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాను। ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్।